गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आई एम रागी शर्मा. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 ऑफ एसएसटी डायरेक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट डायरेक्शन, द पाथ, लाइन ऑफ वे अलोंग विच अ पर्सन और थिंग इज मूविंग, लुकिंग, पॉइंटिंग. नाउ सेकेंड वर्ड इज राइजेस, एंड इंक्रीज इन लेवल means uthna ya ugna. Now third is sets, decrease in level, dubna. Now fourth is cardinal, means cardinal direction, means main direction, mukh ya phir pradhan. Now fifth is towards, in the direction of somebody or something, means kisi ki or. Okay. Sixth is classification, kinds or types. Now seventh is instrument, a tool that is used for doing a particular job or task. Okay. Now tell me, children, in which direction the sun rises? The sun rises in the east and sets in the west. Okay. Now, the main direction, north, south, east and west. Okay. There are four more directions. East, west, south, north and sub direction. North, northeast, southeast, northwest, and southwest. Okay. Between northeast, north and east, northeast, between south and east, southeast, between northwest, north and west, northwest, and between south and west, southwest. Okay, these are the sub directions and the main directions. Okay, now next topic, knowledge of directions. Knowledge of directions is very important for us. It helps us to locate to or know the position of a person, place or thing. Suppose you are standing at a crossing, you want to go at the post office, you need to know the direction of the post office from the place. Direction ka gyan hona hamare liye bahut hi zaruri hai. Agar hum kahin bhi kisi bhi पोजीशन को जानने के लिए, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के पोजीशन को जानने के लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है. सपोज जब आप कहीं खड़े होते हो किसी क्रॉसिंग पे और आपको कहीं रेलवे स्टेशन या फिर पोस्ट ऑफिस कहीं भी जाना हो, तो आपको वहां पे क्या हेल्प करेगा, वहां पे डायरेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा. ओके, डू यू नो चिल्ड्रेन, द पोल स्टार और पोलरीज डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन. पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा और पोलरीज, ये पोल स्टार जो होता है उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस. अब डायरेक्शन के बारे में कैसे पता लगाएंगे? यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द डायरेक्शन यू फेस द राइजिंग सन इज द ईस्ट. अब डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए हमें क्या चीज का, सबसे पहले हमें सन की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन के बारे में कुछ जानते हैं. और सबसे पहले अगर हम अपना फेस सन की तरफ, उगते हुए सन की तरफ करते हैं, ईस्ट की तरफ, और तो हमारा बैक क्या हो जाएगा, वेस्ट. और योर राइट इज क्या हो जाएगा, साउथ, एंड लेफ्ट इज नॉर्थ. ओके, तो कैसे हम करेंगे,
हमारे फेसिंग द सन, सन की तरफ अगर हम फेस करते हैं तो ईस्ट, और बैक वेस्ट, और राइट साउथ, एंड लेफ्ट नॉर्थ. ओके, यू कैन सी द सन इन द डे टाइम ओनली, बट इफ इट इज क्लाउडी यू कैन नॉट सी इट. पीपल नीड टू नो द डायरेक्शंस एट अदर टाइम्स ऑफ द डे एज वेल. सन डे टाइम में तो हम सन से हम पता कर सकते हैं, लेकिन क्लाउडी डे में तो हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्शन के बारे में. तो उसके लिए हमें क्या चीज से हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी. एक इंस्ट्रूमेंट है, लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट चिल्ड्रेन, दिस इज कंपास. ओके, यू कैन सी दैट देयर इज अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, और इसका पॉइंट नीडल जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है. ओके, इफ यू नो वन डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट द अदर इजिली. अगर हम एक डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं जिसे नॉर्थ में है उसका पॉइंट, तो अदर डायरेक्शन के बारे में हमें इजी पड़ता है, जानना इजी हो जाता है. इफ यू आर फेसिंग द नॉर्थ टुवर्ड्स योर बैक इज साउथ, ऑन योर राइट इज ईस्ट, एंड ऑन योर लेफ्ट इज वेस्ट. अगर आपका कंपास का नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और तो बैक क्या हो जाएगा, बैक साउथ, योर राइट इज ईस्ट, तो फिर ईस्ट में राइट में ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मैप्स एंड डायरेक्शंस. अब हम मैप में डायरेक्शन कैसे जानेंगे, लुक एट द मैप चिल्ड्रेन, दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एज शोज द स्टेट्स ऑफ इंडिया. इसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया. पॉलिटिकल मैप मीन्स इट शोज द पॉलिटिकल मैप. बट व्हाट इज अ मैप, मैप क्या है, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑन अ फ्लैट एरिया दैट शोज शेप्स ऑफ लैंड एंड सीज एंड द पोजिशन ऑफ द फ्लैट ऑन इट. मैप एक ड्रॉइंग है वो फ्लैट एरिया को बताने के लिए, सीज एंड लैंड्स के बारे में, जो कि जिसकी जिसका पोजीशन और उसका जगह बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप के बारे में जानते हैं. नाउ नेक्स्ट, अ बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब एटलस क्या है, एटलस एक बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं और वो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे बहुत सारे मैप्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एन एटलस. अब मैप, जैसे सपोज यहाँ पे मैप है, ओके, हैंगिंग वॉल ऑफ द मैप, टॉप, जैसे टॉप में हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, जैसे दिस इज अ मैप. ओके, टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ, बॉटम इज साउथ, राइट द ईस्ट, and left the waist. Okay, then we have completed this chapter, so I hope you understood this chapter. So meet you in the next class. Okay, bye.